आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहां पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। खाटू श्याम बाबा के देश भर में करोड़ों की संख्या में भक्त हैं और देश के कोने कोने में उनके मंदिर स्थित हैं। इंदौर में भी खाटू श्याम बाबा के तीन मंदिर हैं। इनमें कालानी नगर के पास अंबिकापुरी मेन स्थित मंदिर लगभग 4 दशक पुराना है। सन 1980 के पूर्व से ही स्थापित यह मंदिर धीरे धीरे अपने भव्य स्वरूप में आकार ले चुका है। हजारों लाखों श्याम भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, किंतु हाल ही में बरसों पुराने मंदिर की जमीन को बगीचे की जमीन बताकर इसे तोड़वाने का कुप्रयास किया जा रहा है। जन जन की आस्था के केंद्र इस मंदिर को अवैध और निजी संपत्ति बताकर नगर पालिका निगम इंदौर से तोड़ना चाहता है, जबकि अंबिकापुरी के साथ ही आसपास की सभी कॉलोनियों एवं दूर दूर से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। नगर निगम के कतिपय नोटिस से श्याम भक्तों में भी जमकर आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल भक्तों ने मंदिर को तोड़ने से बचाने के लिए मंदिर परिसर में ही रविवार को एक बैठक का आयोजन किया। श्री खाटू श्याम धाम सेवा समिति अंबिकापुरी के अध्यक्ष मनीष इमोलिया ने बताया कि समिति एवं सभी श्याम भक्तों ने निर्णय लिया है कि नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में भक्तों द्वारा 8 अगस्त रविवार को प्रातः 10 बजे काली मंदिर किला मैदान से खाटू श्याम मंदिर अंबिकापुरी तक विशाल निशान यात्रा निकाली जाएगी। मुख्य विषय ये है, यहाँ पर जो लोग हैं जिन्हें आपत्ति थी, उनने उनकी कोई बात रखी थी हमारे सामने कि यहाँ पर जो व्यवस्था है कुछ गड़बड़ है। उस व्यवस्था को हमने सुचारू रूप से कार्य प्रगति पर चालू कर दिया है, कार्य स्टार्ट हो चुका है। इस विषय में मीटिंग रखी है। अभी नगर पालिका निगम से हमारे पास जो नोटिस आया मंदिर तोड़ने को लेकर, उसके ऊपर अभी कोई भी किसी भी तरह का हमारे को कहीं से राहत महसूस नहीं दिख रही है। हमारे पास राहत नहीं आई है कि भैया हम लोग बैठ के बात करेंगे किसी भी रूप से। हम लोग मीटिंग आज इसलिए करना चाहते हैं, श्याम प्रेमी समिति के लोग इसलिए एकत्रित हुए कि आगे को देख के आगे हमें क्या करना है, हमारी रणनीति बनानी है, उसको लेके आज यह बैठक रख रहे हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि जो नक्शा है उसमें टेंपल भी यहाँ पर दर्शाया गया था, इसको लेकर क्या सोचते हैं भैया? ग्राम पंचायत के समय की जगह है, उसके अंदर टेंपल की जगह थी, उसके लिए गुरु महाराज जी ने यहाँ पर कुछ पैसे भी दिए हैं, उसको लेके डेवलपमेंट चार्ज जो दिया, जिसे डेवलपमेंट चार्ज अपन बताएंगे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे हमने पैसा दिया है। फिर नगर पालिका निगम की सीमा में ये बाद में आया है। अभी आगामी 8 तारीख को भी कोई एक आयोजन किया जा रहा है भैया, विरोध प्रदर्शन के रूप में हमने निशान यात्रा का ऐलान किया है। मंदिर परिसर की समिति महाराज जी द्वारा निशान यात्रा भव्य रूप में निकालेंगे, जो विरोध के लिए रहेगी, उन लोगों के लिए जो अधर्मी मंदिर तोड़वाना चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है इस विषय में? भैया इस विषय में समिति का मामला है तो हम किसी भी अभी किसी के पास नहीं गए, ज्ञापन हमारा देना है, हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। महापौर जी, सांसद जी, नगर अध्यक्ष साहब, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने की, हमारी आज की जो बैठक है वो अहम बैठक इसीलिए कि हमें ज्ञापन देना इन लोगों को, उसके लिए हम बैठक रखा रखी है। नगर निगम की ओर से आप बता रहे हो राहत नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम की तरफ से दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ छपी है उसमें कमिश्नर महोदय जी मैडम का कहना ये पड़ रहा है कि भैया हम बैठ के दोनों का मत रख के इसको जल्दी सुलझाएंगे, बट हमें नगर निगम की तरफ से भी ऐसी कोई चीज़ मालूम नहीं पड़ी है कि भैया उसको बैठक कब रख रहे हैं, आगे क्या करना है, कैसे होगा। अगर हम जो हमने यहाँ की जगह ली है 10,000 स्क्वायर फीट हमने लिए, जगह अगर ऊपर होती है तो हम स्वयं निर्माण तोड़वाएंगे, अन्यथा जो लोगों ने आपत्ति लगाई है उन लोगों के घरों के लिए हम कार्रवाई लगाएंगे कि पहले उनके घर देखे जाए कितने आगे है, उसके बाद मंदिर के लिए आप यहाँ पर आ गए।